भैया ये क्या कर रहे हो भाई? ये कांच के रेजे कलेजा काट के रख देंगे। कलेजा पहले से ही छलनी है, थोड़ा और कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? लगता है दर्द सहने का शौक है। शौक नहीं, मजबूरी है। बेरहम कानून ने 10 साल पहले ही मुझे हर दर्द सहने पे मजबूर कर दिया। वो किस तरह बता सकते हो? तुम पहले आदमी हो जो मेरा दर्द जानना चाहते हो। नाम अर्जुन है। 10 साल पहले मैं फौज में था और एक दिन जहाज मेरे का गोला बारूद और हथियार और देश की धज्जियां उड़ा दो। अरे ये कौन आ रहा है? लगता है कोई फौजी है। उड़ा दो साले को बम से। देख लिया अपने साथियों का अंजाम। अब अगर हाथ पैर हिलाएगा तो इनके पीछे पीछे तू भी ऊपर चला जाएगा। अरे फौजी, अरे तेरा सिर फिरा क्या रे? अरे हमसे मत टकरा, जाके फौज में मौज मना। लोहे की छड़ी हाथ में लेकर हमें मत डरा। सर फिरे फौजी डराते नहीं, गिराते हैं। उन दुश्मनों की लाशें जो बॉर्डर पार से हथियार लाकर देश में तबाही मचाते हैं। अरे फौजी, तू ठाकुर विकराल उर्फ महाकाल के जुल्म का हालचाल नहीं जानता। ठाकुर जिस गांव से गुजरता है, पैदा होने वाला बच्चा डर के मारे मां के पेट में ही मर जाता है। तब तो तूने पैदा होते ही अपनी मां को मार डाला होगा। चल, कानून के हाथों अपनी करनी का फल भुगतने के लिए तैयार हो जा। अबे भौजी, कानून से वफादारी करके किसका भला हुआ है जो तेरा भला होगा? कानून सिर्फ भले के लिए ही नहीं, तुझ जैसे नासूरों को मिटाने के लिए भी बना है, जो भारत देश को चलता हुआ जंगल बनाना चाहता है। विक्राल, तुम्हारे चेहरे पे हवाएं क्यों उड़ने लगी? अरे आज मैं हवा में उड़कर नहीं आता तो वो फौजी का बच्चा हवालात में मुझे जूतों का हलवा खिलाता। मैं जानता हूँ उस फौजी को, उसका नाम है अर्जुन। नाग से ज्यादा खतरनाक है। अगर वो फौजी नाग है तो मैं अजगर हूँ। अजगर, अगर उसने मुझे डसा तो मैं उसे पूरा निकल जाऊंगा। जिस करिश्मा पे तुम्हारी नजर थी, अर्जुन ने उसे शादी कर ली। अरे वो करिश्मा जिसे मैं चाहता हूँ, मेरी नजरों से दूर नहीं जा सकती। अर्जुन, अर्जुन। करिश्मा, मुझे मालूम है तुम यहीं कहीं हो, बाहर आ जाओ। अगर मुझसे प्यार करते हो तो तलाश कर लो मुझे। ठीक है, तुम इसी तरह कंगना खनकाती रहो, पायल छनकाती रहो, मैं तो चला। अर्जुन जरा रुको तो, अब तो पास आ जाओ। मैं तुमसे दूरी कब था जो बार बार अपने पास बुलाती हो?
यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? यहाँ के रहने वालों को विकराल ने चुन चुन कर मार डाला। पूरी बस्ती विकराल के कहर का शिकार हो गई। अब विकराल का कहर उसके लिए जहर बन जाएगा। तुम जाओ, इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए मैं मौत का धमाका करूंगा। जाओ। अर्जुन ने मेरी पैदा की हुई दहशत और सन्नाटे को तोड़ डाला। अब मैं अपनी स्टाइल से करिश्मा दिखाऊंगा। अब मैं अपनी स्टाइल से कलाम मचाऊंगा। अर्जुन भैया कसम हो गया। क्या हुआ? विकराल ने करिश्मा को अगवा कर लिया। साल बाद आजादी के दिन मुझे रिहा कर दिया गया। पर एक दिन अचानक मुझे मालूम हुआ कि विकराल जिंदा है।
मुझे मत मार, मुझे मत मार, मुझे छोड़ दे। तेरी मौत मुझ पर उधार है विकराल। तेरे खून के चिर में मैंने उम्र कैद की सजा काटी है, तो बता फिर तू जिंदा कैसे है? कौन था वो जो मरा था, बता। बताता हूं, बताता हूं। जब मैंने देखा कि तू मुझे मारने आ रहा है, बहुत ठंडे गए भाई, बहुत ठंडे गए, कुछ कपड़े दे दो। अरे ये तो हूबहू मेरे शकल का है, कुछ पहनने को दे दो। अगर मैंने इसे अपने कपड़े पहना दिए तो मेरी जगह ये मारा जाएगा और मैं बच जाऊंगा। ले पहन, भाग जा। और मेरी जगह तुमने मेरे हमशक्ल को मार डाला। बस अब तो मेरे मरकर जिंदा रहने का राज खुल गया ना, अब तो मुझे जाने दे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे मारने के इल्जाम में कानून मुझे सजा दे चुका है। तुझे दोबारा मारने के बाद कोई जज मुझे सजा नहीं सुना सकता। जज साहब के पास मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं था, मुझे छोड़ दिया गया और तब से मैं इसी तरह भटकता रहा। अर्जुन, तुम्हारा ऑपरेशन कामयाब हो गया, तुम बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारी दी हुई जिंदगी मुझ पर उधार है, मौका मिला तो चुका दूंगा। कैसा उधार दोस्ती में, कैसा उधार है? बचाओ, रोको, रोको, रोको। और ये शंकर की बहन है। रोको प्लीज, रोको मंत्री जी, मुझे बचा लीजिए वरना ये गुंडे। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, हम तो जनता के सेवक हैं, हमारे रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आओ आओ हमारे साथ। ये आप कहाँ ले आए मुझे? बिल्कुल सही जगह लाया हूँ, यही गुंडे तुम्हारी हिफाजत करेंगे। नहीं नहीं, आओ मेरी नानी। हाँ, अब मैं तेरे शंकर भैया को बताऊंगा कि मुझसे दुश्मनी करने का अंजाम क्या होता है। हाँ, आज मैं तेरी इज्जत लूट के मुझसे की हुई दुश्मनी का बदला लूंगा। मुझे लुका, छोड़ दे। क्यों क्यों? मेरा भैया आएगा, शंकर भैया। शंकर भैया मुक्के में तुझे छक्का बना देगा। छक्का बना देगा शंकर भैया? अबे तेरी तो नहीं, बचाओ। आजा, आजा, पास आजा मेरे नानी के, आजा मेरे पास। शंकर भैया को बता दूंगा, शंकर भैया को बता दूंगा मैं। मुन्ना मोबाइल, अगर लड़की अब बच गई ना तो मैं तेरा मोबाइल बंद कर दूंगा। अपना आपका शागिर्द है भाई, बेफिक्र रहो। Yeah.
भैया, 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 तेरा भैया, तेरा भैया तो क्या? यहाँ से कोई नहीं बचा सकता तेरे को। भैया, लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। इन पर से किसी पर शक है तुम्हें? नहीं इंस्पेक्टर, इनमें से कोई भी मेरी बहन का कातिल नहीं। लगता है कातिलों ने कानून से डर कर शहर छोड़ दिया। वो पाताल में भी चला जाए इंस्पेक्टर, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सवाल शंकर का नहीं है, उसकी आंख का है जिसमें मुन्ना मोबाइल का चेहरा घूम रहा है। अगर गलती से भी मुन्ना मोबाइल उसके हत्थे चढ़ गया तो वो मुन्ना मोबाइल को पिचका कर पेजर बना डाले। बकवास बलगर। अरे मैं बकवास कभी करता ही नहीं हूँ। शाना वो ही है जो ठंडी आने से पहले कंबल खरीद लेवे, भले वो चोर बाजार का क्यों ना हो। मुन्ना मोबाइल को मेरे पास भेजो, मैं उसको गाइड करेगा कि आगे करना क्या है। जैसा मैं बोलता है वैसा कर। शंकर की नजर में आया तो तेरा गापचा निकाल देगा कोपचे में। अरे तू है तो अपने को काय का टेंशन है, आने देना है, नहीं टाइम देख लेंगे अपुन। नहीं, तेरे को कुछ हो गया तो मेरा हफ्ता बंद हो जाएगा, समझने की कोशिश क्यों नहीं करता है? शंकर से भाग जा मुन्ना, भाग जा मुन्ना। तूने मेरी बहन के कातिल को भगा दिया साले। साला पुलिस पर हाथ उठाता है, गिरफ्तार कर लो। साला मुझ पर हाथ उठाता है, ऊपर से नीचे तक लाल कर दूंगा तेरे को। मेरे बहते हुए लहू और मेरी बहन की मौत का एक दिन तुझे हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब किताब साफ करने के लिए एक शेर सुनाता हूँ। चमड़ी उखाड़ कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, टुकड़े उड़ाकर तेरे दलदल में गाड़ दूंगा। आरामीपन की बदबू आ रही है काले तेरी बातों से, अब तो पक्की हो गई तेरी मौत मेरे हाथों से। देखा शंकर, लुक्का का सियासत। जो अपुन की बात मानता है ना, उसे मैं हिमालय के पहाड़ की चोटी पर बिठा देता हूं, और जो अपुन की बात नहीं मानता उसे हरी मिर्च की चटनी पर बिठा देता हूं। देख शंकर, बहन के मौत का बहुत गम है तो बाहर आकर दुनिया वालों के सारे चोकरी लोगों से राखी बनवा लेना। देख शंकर, आदमी से छोटी मोटी गलती हो जाती है, भूल जा उसे। कितनी आसानी से कह दिया लुक्का, ये छोटी सी भूल है, ये भूल नहीं घाव है मेरे कलेजे पर। तेरे दिन पूरे होने को आए हैं लुक्का। इंस्पेक्टर काले को मारने के जुर्म में अदालत मुजरिम शंकर को 6 महीने कैद की सजा सुनाती है। शंकर, कानून ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। फिकर मत करो अर्जुन, सजा खत्म हो जाने के बाद मैं कानून को बताऊंगा कि इंसाफ क्या होता है। अर्जुन, हम सबका एक ही मिशन है, लुक्का की मौत। क्या बाटला की खबर भी शंकर को आपने दी थी? हाँ, और इस बात का मुझे बहुत अफसोस है, अगर ये खबर मैं शंकर को नहीं देता तो शायद उसकी बहन की मौत नहीं होती। शंकर के बहन के कातिलों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, पहले शंकर को बाहर आने दो, क्योंकि एक से भले दो होते हैं। अरे बेटी, अभी तो किसी को पसंद कर ले। इतनी बड़ी गाड़ी लगता है किसी हीरो की होगी। अरे बेटी, जितना बड़ा हीरो होता है ना उतनी लंबी उसकी गाड़ी होती है। आपने चश्मा पहन के
लगता है गोविंदा है। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। कौन कौन? मैं तुम्हारी होने वाली बीवी। चलो फटाफट अग्नि को साक्षी मान के मुझे अपना बना लो और मुझे ससुर की गद्दी पर बिठा दो। पागल हो गया क्या? इस तरह राह पड़े हुए आदमी की बेटी को अपने गले का हार बना लो? अरे अब पड़े हुए नहीं है, खड़े हुए हैं और दौलत से भरे हुए खड़े हैं। क्या? हाँ, बहुत बड़ा बिजनेस है इनका। बॉम्बे में जितने घोड़े हैं सबको घास और चारा सप्लाई करते हैं ये। क्या वाकई आप इतने बड़े आदमी हैं? बिल्कुल। ओह, तभी आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप 1942 की लव स्टोरी हो, मगर इनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी साइलेंट फिल्म के बोलते हुए विलन है। अबे परमानेंट फिल्मी बाप कादर खान के टेम्पर वाली बेटे, अगर विलन नहीं होता ना तो फिल्म नहीं बनती, और फिल्म नहीं बनती तो तू हीरो नंबर वन नहीं बनता। और मैं बीवी नंबर वन नहीं बनती। बीवी नंबर वन? अरे अरे, कहीं तुम नेपाल का ताला मनीषा को हराला तो नहीं? बड़ी देर से पहचाना मुझे। ओ मनीषा, माफ कर दो मुझे। अरे मैं तो तुम्हारा इतना बड़ा फैन हूँ कि मेरा दिल करता है मैं तुम्हारी आंखों में काजल बन के चिपक जाऊँ, तुम्हारे होठों से लिपस्टिक बन के लिपट जाऊँ, और तो और मैं साबुन बन जाऊँ ताकि तुम मुझसे नहा सको। ए, टॉवल बनने की कोशिश मत करना। ओ डैडी, पति टॉवल तो क्या, बिस्तर और चादर भी बन सकता है। समझे फादर, जाओ जाकर किसी कुएं के पास अपने आंसू बहाओ। अरे आंसू तो तू बहाएगा जब इसकी माँ तेरे साथ झगड़ा करेगी। अरे माँ झगड़ा करेगी तो क्या हुआ, बेटी तो मेरे साथ है और इसकी बहन तो मेरी सहेली है और इसका भाई वो तो मेरा चेला है। चलो मेरी जान, चल कर लगाए प्यार की दुकान। लगा प्यार की दुकान बेटे, तू मेरी बेटी को पटाएगा ना तो कल सुबह रोएगा जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के सीने से लगकर रोता है।